Subscribe and press the bell icon for latest update. कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान की भी शुरुआत हो गई है। बीते दिनों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच ट्विटर पर जंग देखी गई थी, तो वहीं अब बीजेपी की आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर करके सिद्धारमैया के चरित्र पर आरोप लगाया है। बता दें आपको, अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सीएम मंच पर एक लड़की को अपने करीब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। मालवीय ने इसी वीडियो पर कहा कि क्या सिद्धारमैया सबके सामने महिलाओं से अपना हाथ दूर रखेंगे। तो वहीं अमित के इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मालवीय को इस बात पर खूब खरी खोटी सुनाई है। यूजर्स ने आगे कहा कि अमित मालवीय को हर चीज में सिर्फ गंदी चीजें ही नजर आती हैं। बता दें आपको, जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें कर्नाटक सीएम मंच पर होते हैं तो उनके अगल बगल कुछ लड़कियां भी होती हैं। इन्हीं लड़कियों में एक लड़की उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करती है। लड़की थोड़ी सी दूरी पर होती है लेकिन अचानक से वो उसका हाथ पकड़ते हैं। सिद्धारमैया के ऐसा करने पर अमित मालवीय ने आरोप लगाए हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।